मैं वाकिफ़ मुरकज़ गुजरात अहमदाबाद से, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल होम गार्डन गोलू का। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपने नींबू के पौधे के अंदर खाद को कैसे देता हूं। देखो, अभी जो सीज़न चल रही है गुजरात के अंदर स्पेशली, ये अभी डोरमेट मोड से बाहर आने का नींबू के पौधे का वक्त हो गया है। सर्दियाँ भी अभी जाने को है और ये बेस्ट टाइम है नींबू के पौधे को अभी खाद देने का, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी हम खाद नहीं दे पाएंगे, और अगर खाद इसको नहीं मिलेगी, ये नींबू का पौधा हैवी सीडेड पौधा होता है, अगर इसको सही मात्रा में हमने खाद नहीं दिया तो ये सही से फ्रूटिंग और फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा। इसीलिए सबसे पहले तो हमें इसको 2-3 दिन तक बिल्कुल भी पानी नहीं देना। उसके बाद जब खाद देना हो तो गमले के अंदर से हमको एक्स्ट्रा मिट्टी को रिमूव कर देना है, एक्स्ट्रा ब्रांचेस को काट देना है, और एक्स्ट्रा मिट्टी जितनी भी है गमले के अंदर हम जितनी खुदाई कर सके। बेटर तो ये है कि हम अपने गमले में अगर जो नींबू का पौधा लगा है तो उसको दूसरे गमले में ट्रांसप्लांट कर दें, जिससे कि बेटर रिजल्ट मिलेगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हम गमले की मिट्टी को और एक्स्ट्रा के रूट को, साइड के रूट को कट करके जितनी भी मिट्टी निकाल सकते हैं गमले के अंदर से उतनी मिट्टी निकाल लें। बस हमको ध्यान इतना रखना है कि मेन रूट को हमें डिस्टर्ब नहीं करना, जो बीज का पार्ट होता है मेन रूट, उसको डिस्टर्ब नहीं करना। उसके अलावा आसपास हम जितने भी गड्ढा करके ना मिट्टी अगर हटा सकें हम हटा लेवे। काफ़ी सारे टूल मिलते हैं ऑनलाइन वगैरह, उसको लेके हम गमले के आसपास की मेन रूट को डिस्टर्ब किए बिना की सारी मिट्टी को हटा लें। उसके बाद नॉर्मली सा जो है वर्मी कंपोस्ट खाद, जो कि ये पौधा जो है नींबू का पौधा हैवी फीडेड पौधा होता है, तो इसको काफ़ी मात्रा में न्यूट्रिशन और खाद ज़रूरी होता है, फर्टिलाइज़र, तो हम उसको वर्मी कंपोस्ट दे देते हैं। नॉर्मली काऊ डंग जिसको बोलते हैं, आसानी से नर्सरी में या किसी भी फल पौधे की दुकान पर मिल जाता है ये वर्मी कंपोस्ट खाद, ये डाल सकते हैं। इसके अंदर अगर आपको मिलाना हो तो जो है नीम खली केक है वो हम डाल सकते हैं, और वो हमें हमारे पॉट के साइज़ के हिसाब से नक्की करना है। ये नीम खली केक है, 2 मुट्ठी हम नीम खली केक डाल देते हैं पॉट की साइज़ के हिसाब से और प्लांट की साइज़ के हिसाब से, 2 मुट्ठी इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए। दूसरा जो है ये नीम केक पाउडर है, नीम केक ये सॉरी अपने मस्टर सरसों की खली बोलते हैं इसको, सरसों की खली भी हम दे सकते हैं। और ये बोन मील ज़्यादा मात्रा में नहीं देना, 6 महीने में एक बार, बरस में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, ताकि कैल्शियम की मात्रा हमारे पौधे में बनी रहे। DAP के दाने भी बाज़ार में मिलते हैं, DAP के दाने हम डाल सकते हैं। ये DAP के दाने आप महीने में एक बार 1 चम्मच जितने डाल सकते हैं। उसके बाद हमने जो गमले से मिट्टी निकाली है वो, या तो दूसरी मिट्टी जो फ्रेश मिट्टी है वो हम उसके ऊपर डाल देवे, गमले को 1/8 इंच बाकी रख के बाकी का पूरा भर देंगे, और उसके बाद फुल इसको अपने वाटर दे देंगे पानी। ये मेरी मेथड है अपने नींबू के पौधे के अंदर खाद और पानी देने की। अब गर्मियां स्टार्ट हो गई, हम ज़्यादा मात्रा में इसको फर्टिलाइज़र अब नहीं दे सकते, क्योंकि गर्मी के अंदर पौधा फर्टिलाइज़र एब्जॉर्व नहीं कर सकता। और उसके बाद हमको इसके ऊपर किसी भी पेस्टिसाइड का पंप से छिड़काव कर देना है। मेरी वीडियो लाइक अच्छी लगी हो तो लाइक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।